हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल का प्रोवाइड करती हूँ माइंड मैप। ठीक है, किस तरह से आप फ्रैक्शन एंड डेसिमल का माइंड मैप बना सकते हो जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है पूरा एक ही बार में रिकॉल हो जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो जिससे कि सारे फ्रेंड को नई नई चीज़ें मिल पाएँ, उनको भी एक मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर दिया करो। स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल का माइंड मैप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए उसकी डिफिनेशन को याद करो कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है फ्रैक्शन। तो आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आप a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन को आप a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हो। a को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर बोलते हैं। d को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये छोटी छोटी बातें हो गई जो आपके माइंड में हमेशा आती है। किसी भी वर्ड को अगर आप फ्रैक्शन का नाम सुनते हो तो आपको पता होता है ना, 1/2 होगा, 7/8 होगा, इस टाइप का ही होगा ये, यानी कि a बाय b के फॉर्म में होगा। जहाँ पे a को आप क्या कहते हो, न्यूमरेटर, b को आप क्या कहते हो, डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है द नंबर ऑफ पार्ट्स आर टेकन। जितना पार्ट्स आपने यूज़ किया, जितना पार्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो आप रखते हो न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आप क्या रखते हो, डिनोमिनेटर में आप टोटल पार्ट्स रखते हो, है ना। तो टोटल आपको डिनोमिनेटर में रखना होता है, न्यूमरेटर में जितना आपने यूज़ किया वो। इसका कीवर्ड्स क्या हो जाएगा, कीवर्ड्स आपका यही हो जाएगा कि आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अच्छे से समझा करो कि न्यूमरेटर में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। न्यूमरेटर में रखते हो आप टेकन, जो आपने लिया यूज़ किया, डिनोमिनेटर में आप रखते हो टोटल। तो आपने क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन से आपने इसकी कीवर्ड्स बना ली। कीवर्ड्स बनाने के बाद आपको अब सोचना है कि कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। मैंने फ्रैक्शन रिकॉल कर लिया जल्दी जल्दी। फ्रैक्शन क्या होता है, a बाई बी के फॉर्म में होता है। जब a आपका न्यूमरेटर है, b आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर बताएगा कितना पार्ट आपने लिया है, डिनोमिनेटर बताएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के आपके फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शन होते हैं गाइस 3 टाइप्स के। ठीक है, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपने बना लिया फटाफट से अपने माइंड में, सब कुछ आपने ये रिकॉर्ड कर लिया। देन व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, हम प्रॉपर किस फ्रैक्शन को बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट आप क्लियर है, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से लेस देन होगा तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक होल नंबर आ जाए, अ होल नंबर along with a proper fraction, proper fraction means numerator उसका denominator से छोटा होना चाहिए, lesser होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया types of a fraction। आपने यहाँ तक सारी चीज़ें recall कर ली। क्या क्या आपने किया mind map के through, सबसे पहले उसकी definition, then उसका keywords numerator और denominator, then उसके बाद types of fraction में भी कितने type के fraction होते हैं, 3 type के fractions होते हैं, ये आपने बना लिया। अब क्या बचा, फ्रैक्शन क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आपके पास ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस को आप ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करोगे, तो ये सारा चीज़ ना बेटा आपके प्रैक्टिस से आता है मेनली। बट आपके पास एक हिंट होना चाहिए कि अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप उनके न्यूमरेटर को बस ऐड करो, न्यूमरेटर को बस सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ गया। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। ठीक है, और फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में अगर आप किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो अलोंग विद अ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है आप किसी अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो होल नंबर को आप कहाँ पे करोगे बेटा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे कि आपने इसको क्या लिख लिया, 3 × 1/2, आपने होल नंबर का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के साथ। अगर मान लो आपके पास दोनों फ्रैक्शंस हो जाते 3/5 और 1/2, तो आप क्या करते, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इस टाइप से आपको मैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल का भी माइंड मैप आज प्रोवाइड कर रही हूँ। और आपकी डिमांड है, कमेंट में आपने बोला है हमसे कि सारे चैप्टर का मैम एक बार आप माइंड मैप दे दो, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में, यानी कि उस दिन जो पहला वीडियो था हमारा इन टीज़र का, वो चैप्टर थोड़ा लेंदी था इसलिए उसमें काफ़ी टाइम लग गया था माइंड मैप में। बट आज का ये वीडियो मैं ट्राई करूंगी कि 10 मिनट में आपका एंड हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर फ्रैक्शन का आपको सब कुछ समझ में आया। डिवीजन देख लो एक बार, डिवीजन कैसे करोगे,
डिवीजन के लिए बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपका डिवीजन अपने आप आ गया। आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड कर रहे हो, 1/2 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डिवीजन की जगह लगा लो मल्टीप्लिकेशन का साइन, 5 को आप कर लो उसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/5। बस आप सॉल्व कर लो, कुछ भी नंबर आए ना, अगर आप दो फ्रैक्शन का, दो रेशनल नंबर का, दो रेशियोज़ को आप डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन की जगह लगाओ मल्टीप्लिकेशन का साइन, जो नंबर है बाद वाला उसका कर लो रेसिप्रोकल, यानी कि पहले 2/5 था तो अब हो जाएगा 5/2, ये होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रैक्शन की सारी चीज़ें क्लियर। अब हम देख लेते हैं डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, क्या होता है डेसिमल, किसी भी नंबर को जब आप डेसिमल पॉइंट में देखते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ये तो डेसिमल नंबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह में बहुत कुछ खास नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि कीवर्ड है ये, या आप नोट करके रखो, बस हाँ इतना चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका डेसिमल नंबर, तो ये वाला जो प्लेस होता है ये होता है 10th place, ये वाला जो प्लेस होता है ये होता है 100th place, और अगर आपको मैंने इसको बोल दिया एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड कैसे करोगे, 20+4+5/10 क्योंकि ये 10th place है, +3/100 क्योंकि ये 100th place है। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट शॉर्ट वे में फटाफट से इसको रिकॉल कर लिया। डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखो, बाकी जैसे आप नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे कर लो। अगर मान लो यहाँ पे था 2, यहाँ पे आपका था 2.43, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने ले लिया 34.57, या 5 ही लिया सिर्फ। ठीक है, आपको करना है इन दोनों को ऐड, कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 लिख लो, और जैसे ही आप नॉर्मली ऐड करते हो वैसे ही आप इसको ऐड कर लोगे, सब्ट्रैक्शन में भी आप वैसे ही इसको कर लोगे। बात आती है मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और डिवीज़न कैसे करें, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी मैंने आपको बता के रखा है कि कैसे आप इसका मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लिकेशन में बेटा बस आपको इतना करना है कि आप डेसिमल का साइन भूल जाओ एक टाइम के लिए, जैसे मान लो 1.2 × 1.2 है ना, या 1.2 × मान लो आपका 12 है ना, आप डेसिमल का साइन भूल जाओ, आप इसको भी 12 मानो, इसको भी 12 मानो, 12 और 12 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 144। अब आप डेसिमल का साइन लगा दो, मतलब डेसिमल पॉइंट लगा दो अपने आंसर में, कैसे लगाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आपको मिल रही है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आएगी, दैट इज 14.4। ठीक है, दैट इज 14.4। अब अगर मैंने यहाँ पे भी 1.2 लिख दिया होता तो आपको क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक यहाँ से 1 digit, एक यहाँ से 2 digit, डेसिमल के बाद 2 digit मिल गई, यानी कि आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 digit होनी चाहिए, तो आपका ये हो गया 1.44। ठीक है, क्लियर हुआ। डिवीज़न तो इसको और ईजी है, डिवीज़न में आप क्या करते हो, डेसिमल को चेंज कर लेते हो फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास लिखा हुआ है 3.6। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो बेटा, 36/10 लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी। मान लो यहाँ पे होता 3.65, तो आप इसको क्या लिखते, 365/100। मान लो यहाँ पे होता और आगे 3 होता, तो आप ये लगा के और एक ज़ीरो बढ़ा देते, यानी कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने नीचे ज़ीरो आ जाते हैं जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो। और जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, देन आपका डिवीजन क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, और दो फ्रैक्शन का डिवीज़न तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, तो ये था पूरा फ्रैक्शन का माइंड मैप। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बाद टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे ये भी एक बार देख लो, 3 whole 1/5। न्यूमरेटर को तो आपको कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर पूरा चेंज होता है, बट डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, 5 है तो ये 5 ही रहेगा, ये क्या हो गया 3 × 5+1, और आपका आंसर क्या आ गया, 5 × 3 = 15+1 = 16/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, इसको सेम रखते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देते हैं कहाँ पे, न्यूमरेटर में। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मान लो 16/5 आपको दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को आपको करना है मिक्स्ड में कन्वर्ट, तो कैसे करोगे, ऐसे आप यहाँ पे इसको लिख लो। ठीक है, ये आप 5 बाहर रखो,
16 को अंदर रखो, 5 3 15 एंड 1 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, ठीक है, 1 आपका रिमाइंडर बच गया। तो आप क्या करोगे, 5 को डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखो, कितने टाइम्स में गया है वो आपका होल नंबर बन गया, रिमाइंडर जो बचा है उसको आप यहाँ पे रखोगे, 3 होल 1/5 ये आपका कन्वर्ट हो गया मिक्स में। तो इम्प्रॉपर से मिक्स में करने के लिए आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लो, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करने के लिए आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड कर दो, ठीक है। आई होप आपको आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फ्रैक्शन और डेसिमल का पूरा वन शॉट रिविजन आपको क्लियर हो गया। तो आपको जो भी डाउट्स वगैरह है बेटा यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को बता दूंगी, सारे डाउट्स देखिए आपके क्लियर कर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज, प्लस क्लासेस पे आपको पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है हाफ एली का बैच जिसके थ्रू आपको पूरा एक एक चीज़ रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हो देन आपको यूज़ करना है कोड SPJJLIFECOM एंड यू विल गेट 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन के साथ आपको लाइव क्लासेस मिलती है। इंटरेक्शन को और भी बढ़ाने के लिए आपके पास आ चुका है रेज द हैंड का फीचर जिसके थ्रू आप हैंड रेज करते हो और टीचर आपको क्या करती है, कॉल के थ्रू कनेक्ट करती है। आप कॉल पे आओगे और अपने सारे डाउट पूछ सकते हो टीचर से, ठीक है। ये है आपके पास प्राइसिंग कि क्या होती है प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग। तो 1 ईयर का कॉस्ट होता है बेटा 15,000 अगर आपने कोई कोड नहीं अप्लाई किया तो। जैसे ही आप कोड अप्लाई कर देते हो SPJJLIFECOM देन यू विल गेट 10% का डिस्काउंट और ये हो जाता है 13,500 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास प्लस के बहुत सारे बैचेस हैं, आप अगर किसी भी बैच के लिए अनलॉक करते हो तो आप सारे बैच को देख पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने जिस बैचेस के लिए स्पेशली लिया वही बैच आप देख पाओगे, आप सारे बैचेस को देख पाओगे, सब कुछ एंजॉय कर पाओगे प्लस के। इतना ही नहीं, अगर आप लेते हो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन तो आपके प्लस की सारी बेनिफिट मिलती है। एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है, पर्सनल मेंटोर मिलते हैं और आपको लाइव डाउट सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर कभी आप कुछ कंप्लेन कर रही हो, आपने कुछ शैतानी करी है तो पेरेंट्स टीचर के साथ कनेक्शन भी होता है, पेरेंट्स आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं टीचर से कि कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है और कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो पेरेंट्स टीचर के साथ कनेक्ट होता है, आपका स्टडी प्लानर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये है आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन, ये है रियल वाली एंड ये है 10% के डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस। 10% का डिस्काउंट कैसे मिलता है, बाई यूजिंग द कोड SPJJLIFE, ठीक है। ये हो गई आपकी, देन उसके बाद मेरी ये स्पेशल क्लास के आप शेड्यूल नोट कर लो और आप सभी मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी 1 लिंक की प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको सारी मेरी स्पेशल क्लास का शेड्यूल, सारी प्लस क्लास का शेड्यूल और जिसने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो भी कर सकते हैं। और ये है मेरा यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल, ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लो कि कब कब यूट्यूब पे क्लासेस होती है। वन शॉट रिविजन के लिए आप 5 PM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, माइंड मैप के लिए 10 AM पे, डेली अनअकैडमी की क्लास 7 पे और साथ ही साथ 10:15 पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीजनिंग जिसके थ्रू आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मजा आएगा रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। और ये है आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा ऑफर, ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए वैलिड है। अगर आपने 8 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 12, 15 और 18 मंथ में अगर आप लेते हो तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन CBSE का और 2 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर फ्री। सेम ऐसे ही 60 मंथ का, 72 मंथ और 84 मंथ का लेते हो तो आपको 6 मंथ के फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो ऑफर वैलिड है 8 अगस्त तक, फटाफट से ले लो जिसने अभी तक नहीं लिया है। थैंक यू सो मच गाइज, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लेना, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि ये माइंड मैप आपके लिए कितना वर्क करेगा और ऐसे ही क्या मुझे डेली माइंड मैप आपके लिए बनाने हैं। मैंने तो सोच लिया है कि मैं आपको डेली माइंड मैप प्रोवाइड करूंगी, अगर आपको पसंद आएगा तो ही करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो मैं इसको स्टॉप भी कर दूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बता देना, ठीक है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय गाइज, लेट्स क्रैक इट, एंजॉय योर डे।